मैं सोनकिया मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाडरवाला डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थी, मैं संस्कृत टीचर कक्षा छठवी विषय संस्कृत चतुर्दशा पाठ जंतु शाला इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझाने जा रहे हैं। आप सभी अपनी बुक निकाल लीजिए और उसका हिंदी अनुवाद समझिए। जंतु शाला निकाल लिया है आपने, जंतुशाला यानी जहाँ पर पशु पक्षी जंतु सब रहते हैं उस स्थान को चिड़ियाघर कहा जाता है। तो चिड़ियाघर के विषय में हिंदी में आपको समझाने जा रहे हैं, संस्कृत में जंतुशाला निकाल लिया है आपने। अब देखिए, प्रिय मित्र गोपाल, अब देखिए प्रिय मित्र गोपाल, पहले मैं संस्कृत में पढ़ के बताती हूँ, उसके बाद मैं हिंदी में बताती हूँ, फिर मैं शब्दार्थ बताती हूँ। प्रिय मित्र गोपाला सा स्नेहम नमस्ते, प्रिय मित्र गोपाल सा स्नेह सहित नमस्कार। अत्र सर्वम कुशलम तत्रापि कुशलम भवतु, यहाँ पर सब कुशल है वहां भी कुशल होंगे। मम त्रैमासिकी परीक्षा समाप्तः, मेरी त्रैमासिक परीक्षा समाप्त हो गई है। अहम जनकेन सह जंतुशाला आगच्छम, मैं पिताजी के साथ चिड़ियाघर गया था। किम त्वम जानसी, क्या तुम जानते हो। जंतवः अस्माकं मित्राणि सन्ति, जंतु हमारे मित्र हैं। जंतुशालायां जंतवः अस्माकं मनांसि रंजयन्ति, चिड़ियाघर में जंतु हमारा मन बहलाते हैं। तत्र अहम् व्याघ्रम् जम्बुकम् कच्छम् ऋक्षम् गजम् सिंहम् वानरम् मकरम् शशकम् हरिणम् च अपश्यत्। अब देखिए, मैंने आपको धीरे धीरे सबके नाम बोल दिए हैं। वहां मैंने बाघ गीदड़ रीछ हाथी शेर बंदर मगरमच्छ खरगोश और हिरण देखे। आया समझ में? अब देखिए, इतना मैंने आपको बता दिया, अब आगे का पैरा देखिए। सिंह उच्च गर्जति, शेर जोर से दहाड़ता है या गर्जता है। बानरा पंजरे भ्रमति, बंदर पिंजड़े में भ्रमति यानी घूमता है। उत्पतति चा और उछलता है। तस्य पुच्छम दीर्घम भवति, उसकी पूंछ लंबी होती है। मकरा जले निवसति, मगरमच्छ पानी में रहता है। मयूरा नृत्यन्ति, मोर नाचता है। सह अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी अस्ति, यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अलम अति विस्तरेण, बहुत विस्तार मत करो। तुम अत्र भोपाल नगरे मम गृहम आगच्छ, तुम वहां यहाँ भोपाल नगर में मेरे घर आ जाओ। अहम त्वाम जंतुशालां नेष्यामि, मैं तुम्हें चिड़ियाघर ले जाऊंगा। तब जनकाय जनन्यै च नमः, तुम्हारे पिताजी और माँ को नमस्कार। शशित अनुजाय, छोटे भाई को आशीर्वाद। तुम मित्रम सुरेशा, तुम्हारा मित्र सुरेशः। तो ये तो मैंने आपको पाठ का हिंदी अनुवाद समझा दिया, अब आप इसके शब्दार्थ देखिए। शब्दार्थ वैसे बुक में पूरे दिए हैं,
73 पेज पर। तो देखिए, जंतुशाला यानी चिड़ियाघर, शुकम यानी तोता को, बकम यानी बगुला को, जंबुकम शियार को, रिच्छम रीछ को, खगान पक्षियों को, गजम हाथी को, वानरम यानी बंदर को, मकरम मगर को, सस्कम खरगोश को, हरिणम हरिण को, अश्माकम हमारा, रंजयंती मनोरंजन करते हैं, व्याक्रम बाघ को, उच्च यानी जोर से, गर्जति यानी गरजता है, उत्पतति यानी उछलता है, निवशति यानी रहता है, अलम यानी बस, आगच्छ यानी आओ, नेश्यामि यानी ले जाऊंगा, अनुजा यानी छोटे भाई को। तो ये मैंने आज आपको पाठ का हिंदी अनुवाद एवं सप्ताह आपको बता दिए हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में नहीं आए थे तो फिर से वीडियो देख करके और उसके हिंदी अनुवाद आपको समझना है। धन्यवाद।